वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरे से किसी ने एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि सूरज जी ये बताइए कि क्या एक रीसेलर फाउंडर बन सकता है। सो इसका आंसर है फ्रेंड नो, एक रीसेलर फाउंडर नहीं बन सकता है। बट एक फाउंडर सब कुछ होता है, वो कस्टमर भी होता है, रीसेलर भी होता है। जब कोई फाउंडर ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे प्रोडक्ट पैकेज बाई करेगा तो उस टाइम पे वो फर्स्ट कस्टमर भी बन जाता है। जब कोई फाउंडर अपने जो उनका वेबसाइट रहेगा उस पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे अगर उसको खुद सेल करना चाहे तो वो खुद भी सेल कर सकता है, राइट। तो उस टाइम पे वो रीसेलर भी हो जाता है। बट कोई रीसेलर फाउंडर नहीं बन सकता, बट फाउंडर वो सब कुछ होता है, रीसेलर कस्टमर वो सब कुछ होता है, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी फाउंडर हैं या फिर आप ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे रीसेलर बनना चाहते हैं। अगर आप ग्लोबल लॉन्च के पहले बोनस का, ट्रैफिक का, मार्केटिंग का और बीटा टेस्टिंग, प्रोडक्ट को यूज करने का और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखना कि एक आईटी कंपनी प्रोडक्ट को कैसे रेडी करती है, देन बीटा टेस्टिंग करती है, उसके बाद मार्केट में लाती है, अगर इन सारी चीज़ों को फील करना है, इंजॉय करना है, देखना है, समझना है, महसूस करना है, देन आप ग्लोबल लॉन्च के पहले फाउंडर बन के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्लोबल लॉन्च के बाद रीसेलर भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देन आपको अगर समझ में आता है तो आप फाउंडर जरूर बनिए। मेरा यही सजेशन है कि आप फाउंडर जरूर बनिए और इन सारी चीज़ों का इंजॉय कीजिए, मार्केटिंग, बोनस, ट्रैफिक, बीटा टेस्टिंग, प्रोडक्ट को यूज करना, अभी बहुत सारी चीज़ें जो फाउंडर इस टाइम पे कर रहे हैं। सो दिस इज योर डिसीजन, आप फाउंडर बनते हैं या ग्लोबल लॉन्च के बाद रीसेलर बनते हैं।